हेलो एवरीवन, सो आज मैंने बनाया था इंस्टेंट चॉकलेट केक। कुकर केक है ये मैंने इसका पैक मंगवाया था, कुकर केक वाला। मैंने सोचा इस बार पहले इंस्टेंट ट्राई करते हैं। सो इसमें जैसे जैसा प्रोसेस लिखा था मैंने उस तरीके से बनाया और बहुत ही टेस्टी केक बना, आप मानोगे नहीं। बट ये है वो वाला बॉक्स, पिल्सबरी का कुकर केक मिक्स। सो इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, ओनली मिल्क लेना है। इसमें बाकी सारी चीज़ें मिक्स है, जो भी डालनी है हमें कुछ नहीं डालना, ओनली मिल्क का यूज़ करना है। ये पाउडर, ये जो पैक वाला पाउडर है, ये इसके साथ ये थोड़ा सा स्प्रिंकल भी आएगा। ये जो पैक है पाउडर वाला, ये पूरा पैकेट, और इसमें एक कुछ ML साइन बना हुआ है, वहाँ तक हमें मिल्क डालना है। तो मैंने सबसे फर्स्ट क्या किया, इसको मोल्ड को ग्रीस कर लिया घी से और थोड़ा सा इसमें मैदा डाल दिया नीचे ताकि वो चिपके नहीं। सो ये मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है। अब मैंने ये पैकेट ऊपर से फाड़ना है और ये सारा एक साथ यूज़ कर लूँगी। सो ये सारा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें कुछ नहीं डलेगा, ओनली ये जो मैं आपको निशान दिखा रही हूँ, बस यहाँ तक हमें ये मिल्क भरना है और बस ये मिल्क को यूज़ करना है इसमें, और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनेगा इतने से मिल्क में। सो ये मैंने मिल्क डाला और बस मैं इसको एक साइड ही घुमाऊँगी 5 मिनट तक। कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको मिला लेना। सो ये मैं फटाफट इसे मिला लूँगी, सिर्फ एक ही राउंड, एक ही साइड से, एक ही साइड पे मतलब। तो ये जो पेस्ट है ये ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से है। जैसे मैंने घर पे कई बार ट्राई करा है तो थोड़ा सा मेरा पतला हो जाता है। सो हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है कि पेस्ट को एकदम पतला नहीं बनाना, नहीं तो वो केक फूलने में और केक अच्छा नहीं बनता, थोड़ा सा उस टाइप का है। सो ये मैंने मिक्स कर दिया फटाफट। सो अब ये बहुत ही फ्लफ़ी लग रहा है और इसमें थोड़ा सा और एक दो चम्मच मैं मिल्क डाल रही हूँ और बस इसके साथ मैं इसे मिला लूँगी फटाफट। और थोड़ा सा इसमें मैंने बटर डाला है, आप हो सके तो ऑयल भी डाल सकते हैं खाने वाला। सो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसे ढक कर बॉईल होने के लिए रखेंगे, थोड़ा गर्म हो जाए, जब तक मैं इसमें मोल्ड में सारा पेस्ट डाल देती हूँ। और उसके ऊपर मैंने चोको चिप्स डाल दिया है, आप कोई भी स्प्रिंकल यूज़ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ये केक सिंपल भी बहुत यम्मी लगने वाला है। सो ये मैंने कढ़ाई में रख दिया, अब मैं कवर कर देती हूँ और हमें इसे 35 मिनट्स तक नहीं देखना है, निकालना खुला ही नहीं। सो 35 मिनट तक हमें इसे नहीं चेक करना है, 35 मिनट बाद आप नाइफ डाल के चेक कर सकते हैं, अगर फिर भी थोड़ा बहुत कच्चा रह रहा है तो आप वापस से 5 मिनट के लिए ढक सकते हैं। तो मैंने 35 मिनट बाद जब चेक किया था तो मेरा एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल चाकू एकदम क्लीन निकली थी। देखिए मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। सो यहाँ मैंने चाकू डाली और ये देखिए दो साइड डालूँगी, ये साइड डाला चाकू एकदम क्लीन आई है, अब दूसरे साइड डालूँगी, देखिए चाकू बहुत क्लीन आई है, मतलब ये बहुत अच्छे से हो चुका है। सो बस मैंने इसे हटा दिया इसका कवर और 2 मिनट के लिए इसको इसी में रहने दिया और फिर उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया प्लेट में। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चोको चिप्स और डाल दी क्योंकि बच्चे चोको चिप्स बहुत पसंद करते हैं। सो मैंने इसमें ये चोको चिप्स डाली थी, मेल्ट हो गई जो वो थोड़ा सा ऐसा हो गया। ये केक मेरा बन चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत यम्मी लग रहा है। सो मैंने इसमें स्प्रिंकल और थोड़ा सा चोको चिप्स डाला था, बस ये केक का
फाइनल लुक है। और ये केक बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और बस हमने गर्मा गर्म खाया। बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत ही यम्मी लगा था। सो ये केक का अंदर का बेस है, आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है। मैं आपको इसे दबा के भी दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए। काफी अच्छे से फुला है। अगर आपको ये इंस्टेंट केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।